गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि सेक्टर 43 ग्रीनफील्ड के ए ब्लॉक में होने वाली है। और ये आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो 225 गज में बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो, काफी अच्छा फ्रंट एलिवेशन बनाया हुआ है। और ये कुछ इसका एंट्रेंस रहेगा, आस पास आप बसावट देख सकते हो, सभी जगह लोग रह रहे हैं। और ये ग्रीनफील्ड में एंटर करते ही सबसे पहला ब्लॉक पड़ता है राइट हैंड साइड पे। और इधर भी आपके आसपास देख सकते हो, आसपास पूरी बसावट है। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। अंदर आ चुका हूँ, ये अंदर आते ही आपको ये पर फ्लोर के अकॉर्डिंग सेपरेट टैंक मिल जाते हैं। और ये हमारी कुछ पीछे तक स्टिल पार्किंग रहेगी, अभी इसमें काम थोड़ा चल रहा है, ये आपको मैक्सिमम महीने दो महीने में सारा आपको फिनिश होके मिलेगा। ये एंड तक आपकी स्टिल पार्किंग है। हमारा ऊपर जाने का एंट्रेंस रहेगा, ये आप देख सकते हो, ये सामने को स्टेयर्स मिलती हैं, इधर ये आपको लिफ्ट मिल जाती है। लिफ्ट मोटर के कनेक्शंस लगा सकते हो आप इधर, ये मोटर्स के कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। और आइए ऊपर चलते हैं, मैं आपको इसका टॉप फ्लोर दिखाऊंगा आज आपको। जो आज फ्लोर दिखा रहा हूँ ये टॉप फ्लोर है। अब मैं अभी इसके टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ, इसके ऊपर टेरेस है और ये कुछ हमारी एंट्रेंस रहेगी, आप देख सकते हो। इधर हमारी लिफ्ट रहेगी, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, आपको काम होके मिल जाएगा मैक्सिमम एक महीने में, बाकी ये एंट्रेंस मिलता है आपको। तो अब मैं ये घर में एंटर हो रहा हूँ, जो मैं आपको ये टॉप फ्लोर दिखा रहा था, ये एंटर होते ही ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया रहेगा। ये आप देख सकते हो काफी अच्छा, देखो वॉल भी डेकोरेट की हुई है, ये काफी अच्छी लग रही है। ऊपर इसकी फॉल सीलिंग चेक करो, फॉल सीलिंग देखो आपको एज इट इज ऐसी मिलेगी, वुडन टच के साथ इन्होंने काम करके दिया हुआ है। ये इधर भी आपको डाइनिंग एरिया में भी फॉल सीलिंग मिल जाती है, ये फॉल सीलिंग भी आपको एज इट इज ऐसी होकर मिलेगी। बाकी आपकी इधर एक किचन आ जाती है, इधर आपके दो बेडरूम और इधर दो बेडरूम। तो ये 225 गज में बना हुआ है, 4 BHK, काफी स्पेशियस और अच्छा बनाया हुआ है। और इधर आपको ये पूरा इंटीरियर का पार्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपने शोपीस वगैरह रख सकते हो। और इधर हमारी ये, सबसे पहले मैं आपको किचन से स्टार्ट करता हूँ। ये किचन में भी देखो काफी अच्छा वुडन का पार्टीशन दिया हुआ है, इधर भी आप अपने शोपीस वगैरह रख सकते हो। और ये हमारी किचन आ जाती है, जो आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन मिलेगी, अंदर काफी अच्छा ये स्टोरेज मिल जाता है आपको। अंदर यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है प्रॉपर हाइड्रोलिक के साथ है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ। और ये यहाँ पे आपको ये चिमनी का जगह मिल जाती है, सामने आपको विंडो मिल जाती है, इधर ये आपको दो सिंक मिल जाती है और बिजली का आपको पाइप मिलता है, यहाँ से आप अपना पाइप निकाल सकते हो चिमनी वाला। और ओवरऑल काफी अच्छा बनाया हुआ है। बाकी इसकी फॉल सीलिंग देखो, फॉल सीलिंग किचन में भी की हुई है, काफी अच्छी और एकदम शानदार लग रही है। और अब किचन के बाद, ये किचन थी इसके जस्ट बगल में, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। ये फर्स्ट बेडरूम आप देख सकते हो काफी बड़ा स्पेशियस बनाया हुआ है, 225 गज के हिसाब से रूम साइज काफी अच्छा निकाला हुआ है। बाकी आप इसकी फॉल सीलिंग चेक करो, फॉल सीलिंग देखो वुडन टच के साथ। अभी इसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है, जो लाइटें लेके निकली हुई है, ये जो लाइटें हैं अभी इसमें काम वगैरह चल रहा है इसलिए निकली हुई है, बाकी ये लग के मिलेंगी। बाकी काफी अच्छी और यूनिक लग रही है, बिकॉज हर एरिया में इन्होंने अलग अलग फॉल सीलिंग की हुई है। इधर हमारा ये कबर्ड्स आ जाते हैं, आपको एक स्पेस मिल जाता है। और इधर ये हमारा वॉशरूम, वॉशरूम आपको एज इट इज सारा सैनिटरी फिटिंग होके मिलेगा, जैसा आप देख रहे हो ये पॉट वगैरह, ये इधर वैनिटी भी लगा के दी हुई है, ये सारी एज इट इज ऐसी ही मिलेगी रूम से ना, इस वाले ड्रेसिंग एरिया से। ये वाला स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है, ये आप स्लाइडिंग डोर को यूज कर सकते हो, तो ये ना बगल वाले रूम से कनेक्ट हो जाता है। तो ये अब मैं बगल वाले रूम से रूम में आ गया हूँ, जो कि ये शाफ्ट वाला एरिया के साथ आपको विंडो भी मिल जाती है, इधर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हो। बाकी इसकी फॉल सीलिंग चेक करो, फॉल सीलिंग आपको इसमें भी एज इट इज ऐसी ही मिलेगी, इसमें भी थोड़ी यूनिक की हुई है, मतलब हर रूम में आपको डिफरेंट फॉल सीलिंग मिलेगी। सेकेंड बेडरूम था जो मैंने आपको दिखा दिया है, और इधर हमारे दो रूम इधर आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था, इस फर्स्ट बेडरूम के साथ आपको ये फ्रंट की बालकनी मिल जाती है, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था। ये हमारी कुछ फ्रंट की बालकनी रहेगी, आप देख सकते हो काफी बड़ी और एकदम वाइट बालकनी मिल जाती है। इधर आपको ये वॉशिंग एरिया मिल जाता है, जो आपको देखो टैप लगा हुआ सामने। और ये आप आसपास की पूरी बसावट देख सकते हो, ऊपर से भी सभी जगह लोग आसपास रहते हैं और कुछ जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख ही सकते हो। तो आइए अब मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखा देता हूँ। हमारा थर्ड बेडरूम है, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ, ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा, ये आप देख सकते हो
इसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, कबर्ड्स मिलती है साथ में। और आप इसकी फॉल सीलिंग चेक करो, इसमें भी आपको यूनिक फॉल सीलिंग मिलती है, जो कि सभी रूम में आपको एकदम डिफरेंट फॉल सीलिंग मिलेगी, जिससे हर रूम की लुक जो है अलग निकल के आएगी। और ये मास्टर बेडरूम है, ये सबसे बड़ा वाला बेडरूम है। ये हमारी कबर्ड्स आ जाती है, इधर आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में सारी सैनिटरी फिटिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी, सभी वॉशरूम में ऐसी मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। तो गाइज ये हमारा फोर्थ बेडरूम रहेगा, जिस बेडरूम में हम एंटर हो रहे हैं, ये हमारा फोर्थ बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं, चेक करो फॉल सीलिंग, देखो आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी। इसमें भी इन्होंने फॉल सीलिंग यूनिक की हुई है, और इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम आपको ऑल सैनिटरी फिटिंग एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा आप देख रहे हो। काफी अच्छा टाइल का कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज किया हुआ है। इधर आपको ये कबर्ड्स मिल जाते हैं, ये कबर्ड्स आपको एज इट इज ऐसे ही लगे हुए मिलेंगे। और इधर से आपकी ये बालकनी का एक्सेस आ जाता है। ये बालकनी जो मैंने इससे पहले वाला रूम दिखाया था, उस वाले रूम से भी कनेक्टेड है और इस वाले रूम से भी कनेक्टेड है। ये देखिए, ये बगल से मैंने आपको ओवरऑल पूरा घर दिखा दिया है, जो कि 4 BHK 3 टॉयलेट बनाया हुआ है, 225 गज में है, सेक्टर 43 के ए ब्लॉक में ये पड़ता है, सेक्टर 43 ग्रीनफील्ड कॉलोनी के ए ब्लॉक में ये पड़ता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको घर दिखा दिया है, जो कि 1.5 करोड़ के आसपास इसकी आस्किंग प्राइस है। लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।